famous, what they call me. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज है इवनिंग स्नैक्स डे 3 का. सो मेरे पास है बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोस, चिकन शेड किया हुआ, सोया सॉस, नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून एंड लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून और काली मिर्च 1 टेबल स्पून. मैश्ड पोटैटोस में मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी थी. अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. होप आप लोगों को अपनी इवनिंग की चाय के साथ स्नैक्स की बहुत सी रेसिपीज़ और बहुत से आइडियाज़ मिल रहे होंगे. प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और व्यूज़ मिल सकें. स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं. मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है इसलिए मैंने इतने स्पाइसेस यूज़ किए. अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें स्पाइस ऐड करें. सो ये अच्छे से मिक्स हो गया है. अब है नेक्स्ट स्टेप की बारी. उसके लिए चाहिए एक अंडा और सेवैयाँ. सेवियाँ जो है, अगर आप लोगों के पास बारीक वाली हो तो ज़्यादा बेटर है. मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ. दोनों को आप लोगों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है. अब इनको आप राउंड शेप या जो भी आपको शेप पसंद है उसमें बना सकते हैं. मैं राउंड शेप में बनाऊँगी. उसके बाद इसे अंडे में कोट करूँगी और फिर सेवैयों से. तो सारे कबाब को हम रेडी कर लेंगे. अब बारी है फ्राइंग की. उसके लिए हम ऑयल लेंगे और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे. आप इन्हें नेस्ट कबाब भी बोल सकते हो और रशियन कबाब भी. सो होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अब कल की वीडियो का वेट करें. इंशाल्लाह फ्राइडे तक ये सीरीज से आप लोगों को बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे इवनिंग स्नैक्स के लिए. Hope you enjoyed my video. Thank you for watching.